बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें ना जानता हो। बात अगर बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस की होती है तो उसमें करीना कपूर का नाम जरूर आता है, और उनके इस लंबे सफल करियर में उनका नाम कई सारी कंट्रोवर्सीज में भी शामिल हुआ है। फिर चाहे उनका MMS लीक होना हो, शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन के साथ ब्रेकअप, दो बच्चों के पिता सैफ अली खान के साथ शादी करना हो, और अपने दोनों बच्चों के नाम तक को लेकर करीना कपूर को कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा है, और इन कंट्रोवर्सीज की वजह से मीडिया में काफी ज्यादा गर्मागर्मी भी बन गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम करीना कपूर की जिंदगी से जुड़ी उन तमाम कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो से एंड तक बने रहें। दोस्तों, करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 में हुआ था, और इनका जन्म बॉलीवुड के एक काफी बड़े और पॉपुलर खानदान यानी कि कपूर खानदान में हुआ था। और जाहिर सी बात है कि करीना कपूर एक ऐसे परिवार से आती है जिसका नाम ही बॉलीवुड में उस समय काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए फैमिली बैकग्राउंड की वजह से करीना कपूर का बॉलीवुड में आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और साल 2000 में जब करीना कपूर 20 साल की थी तभी उनकी पहली फिल्म रफूजी रिलीज हो गई थी, और इस फिल्म में करीना कपूर की जो परफॉर्मेंस थी उसकी काफी ज्यादा तारीफ की गई थी, और इसीलिए पहली फिल्म के बदौलत ही उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया था। और करीना कपूर की ये पहली मूवी बॉक्स ऑफिस पे सफल साबित हो गई, और इसके बाद करीना कपूर ने कई सारी फिल्में करी जिनमें से कई चली तो कई सारी फिल्में फ्लॉप भी हुई थी। और इसी बीच करीना कपूर को ऋतिक रोशन के साथ भी कई सारी फिल्में मिली थी, जैसे कि कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और यादें। ये वो तमाम फिल्में थी जिनमें ये दोनों एक साथ नजर आए थे, और उस समय लोगों को भी इनकी जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आई थी। और उसी दौरान मीडिया में ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि करीना कपूर और ऋतिक रोशन इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन आगे चलकर ये अफेयर कंट्रोवर्सी में बदल गया। क्योंकि हैरानी वाली बात तो ये है कि जब इनका अफेयर चल रहा था तो उस समय ऋतिक रोशन शादीशुदा थे, और ऋतिक रोशन के शादीशुदा होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। इनके बीच में चल रहे अफेयर को खत्म करने के लिए ऋतिक रोशन की फैमिली को दोनों के बीच में आकर अलग करना पड़ा। हालांकि बाद में जब ऋतिक रोशन ने टैली चक्कर को एक इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने इन तमाम बातों का खंडन किया था, और उस समय ऋतिक रोशन ने ये बात कही थी कि ये सारी खबरें बेकार है और फालतू है। ऋतिक रोशन ने ऐसा भी कहा कि मुझे खुद के लिए बुरा नहीं लगता, लेकिन करीना कपूर के लिए बुरा लगता है, क्योंकि करीना कपूर काफी स्वीट है और मीडिया में उनकी जो इमेज है वो गलत तरीके से दिखाई जा रही है। और ऋतिक रोशन का ये बयान सामने आने के बाद करीना कपूर ने भी अपनी तरफ से सफाई दी थी। दरअसल इसके बारे में करीना कपूर ने ऐसा कहा था कि ना मैं किसी शादीशुदा आदमी की दीवानी हूँ और ना ही मेरा अफेयर है, और इसीलिए ऋतिक रोशन और करीना कपूर का ये अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, और इसीलिए साल 2001 में शुरू होने वाला ये अफेयर साल 2002 में ही खत्म हो गया। और इसी बीच साल 2001 में करीना कपूर का नाम फिर से एक कंट्रोवर्सी में जुड़ गया, और ये जो कंट्रोवर्सी है ये काफी ज्यादा जोरदार थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना कपूर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने सेट पर ही दूसरी एक्ट्रेस पे हाथ तक उठा दिया था, और जिस एक्ट्रेस को करीना कपूर ने थप्पड़ मारा था वो एक्ट्रेस थी बिपाशा बासु। दरअसल इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच एक बार ऐसा झगड़ा हुआ था जिसके बाद से इन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखना तक बंद कर दिया। और ये सब बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि जरूर ये झगड़ा किसी बड़ी बात पे हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये झगड़ा बिल्कुल एक छोटी सी बात को लेकर ही हुआ था। दरअसल ये बात है साल 2001 की, जब करीना और बिपाशा अजनबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, और इस फिल्म में अक्षय कुमार और बॉबी देओल इनके अपोजिट थे। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप जानते होंगे कि इस फिल्म में बिपाशा बासु के कुछ ऐसे सीन थे जो कि काफी ज्यादा बोल्ड थे, और इसीलिए उस समय उन सीन्स की वजह से बिपाशा की काफी ज्यादा चर्चा होने लगी थी, और इसीलिए बिपाशा बासु के आगे करीना कपूर का किरदार फीका पड़ने लगा। लोग करीना की जगह बिपाशा की ज्यादा बातें कर रहे थे, और बिपाशा की पॉपुलैरिटी को बढ़ता देख करीना कपूर खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगी। करीना कपूर को ऐसा लगने लगा कि सारी की सारी लाइमलाइट बिपाशा बासु ही ले जा रही है। और आगे चलकर फिल्म की शूटिंग के दौरान कॉस्ट्यूम को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और इस झगड़े की वजह से करीना कपूर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपना आपा खो बैठी, और इसीलिए झगड़े के बीच उन्होंने बिपाशा के ऊपर एक रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया और बिपाशा को काली बिल्ली कह दिया। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकी, और गुस्से में आकर करीना कपूर ने बिपाशा के मुंह पे तमाचा मार दिया, और इसके बाद दोनों के बीच की लड़ाई काफी ज्यादा लंबे समय तक चली थी। और तो और ये बात भी कही जाती है कि करीना कपूर ने बिपाशा को उस समय उनके बॉयफ्रेंड यानी कि जॉन अब्राहम को लेकर भला बुरा कह दिया था। इसके बाद बिपाशा ने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि करीना ने उस वक्त बात को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, और इसीलिए इस तरह इनकी लड़ाई काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती रही। अब जरा बात करते हैं करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा के बीच होने वाली कॉन्ट्रोवर्सी की। दरअसल इन दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत ऐतराज फिल्म के दौरान हुई थी, और इस फिल्म में करीना कपूर अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में नजर आई थी, तो वहीं प्रियंका अक्षय कुमार की लवर के किरदार में नजर आई थी। और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ की गई थी, और ये चीज करीना कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और यहीं से इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। और इसके बाद साल 2009 में जब करीना कपूर कलेश विद करण शो में आई थी तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल करण जौहर ने करीना कपूर से ये सवाल पूछा था कि वो प्रियंका चोपड़ा से क्या पूछना चाहती है। इसके बाद करीना ने कहा था कि मैं जानना चाहूंगी कि उन्होंने एक्सेंट कहां से सीखा है, एक्सेंट यानी कि बोलने का तरीका। इसके बाद जब प्रियंका
प्रियंका चोपड़ा इस शो का हिस्सा बनी तो प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा कहा कि मैंने ये एक्सेंट वहीं से सीखा है जहाँ से करीना कपूर के बॉयफ्रेंड ने सीखा था। इसके बाद साल 2010 में जब प्रियंका चोपड़ा ने फैशन के लिए नेशनल अवार्ड जीता था तो उस समय करीना कपूर ने ये बयान दिया था कि वो अवार्ड मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने ये रिप्लाई दिया था कि अगर आपके पास वो अवार्ड नहीं है तो इसका मतलब अंगूर खट्टे हैं। और इसके बाद इनकी ये लड़ाई साल 2019 में कलेश विद करण के शो में ही खत्म हुई थी जब ये दोनों एक साथ उस शो में पहुंची थी। अब जरा बात करते हैं उस कॉन्ट्रोवर्सी की जिसकी वजह से उन्हें लव जैसे कमेंट्स को फेस करना पड़ा। दरअसल हम बात कर रहे हैं करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी के बारे में। दोनों ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी करी थी, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग थी वो ये थी कि सैफ अली खान करीना कपूर से 10 साल बड़े हैं और तो और उस समय उनके दो बच्चे भी थे और उनका तलाक भी हो चुका था और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग करीना कपूर के इस फैसले के खिलाफ थे और इसीलिए उन्हें कई सारे नेगेटिव रिएक्शंस का भी सामना करना पड़ा। करीना ने एक बार इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और तो और उन्होंने अपनी फैमिली को भी ये धमकी दे दी थी कि अगर वो शादी के खिलाफ गई और उन्होंने इस शादी को मीडिया का सर्कस बना दिया तो वो घर से भागकर शादी कर लेंगे। एक दूसरे इंटरव्यू में करीना कपूर ने ऐसा भी कहा था कि उन्होंने सैफ अली खान को अपना लाइफ पार्टनर इसीलिए चुना था क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करे और सैफ अली खान ने करीना कपूर की इस बात को मान लिया था और इसीलिए साल 2007 में शाहिद कपूर से ब्रेकअप के बाद करीना कपूर और सैफ अली खान की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी और आगे चलकर इन्होंने 2012 में शादी कर ली। इसके बाद जब इनकी शादी हुई तो कई सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने इस शादी को लव बताया था, जिसके बाद करीना कपूर ने ये बयान दिया था कि मैं लव में यकीन करती हूँ ना कि लव जिहाद में। और इसके बाद करीना कपूर की शादी के बाद जब उनके दो बच्चे हुए तो उन बच्चों के नाम को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। दरअसल साल 2016 में जब उनका पहला बच्चा हुआ तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा था तैमूर और करीना कपूर ने बताया कि तैमूर नाम को रखने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल करीना कपूर ने बताया कि सैफ अली खान के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था तैमूर और सैफ अली खान का बचपन भी उनके साथ ही बीता था और इसीलिए सैफ अली खान चाहते थे कि अब जो उनका बेटा होगा वो उस लड़के का नाम तैमूर रखे। अब भले ही करीना और सैफ को ये नाम बढ़िया लगाओ लेकिन पब्लिक को ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप भी जानते होंगे कि तैमूर कौन था। दरअसल तैमूर एक इन्वेडर था जिसने हमारे देश पे हमला करके हमारे देश को लूटा था और तो और कई सारे मंदिर भी तोड़े थे और इसी के साथ साथ कई सारे लोगों को जान से भी मारा था। इसीलिए लोगों का ऐसा कहना था कि भला इन्हें अपने बच्चे का नाम तैमूर रखने की क्या जरूरत पड़ गई। इसी तरह जब करीना कपूर का दूसरा लड़का हुआ तो उस वक्त भी ये खबरें निकल कर सामने आई थी कि उनके बेटे का नाम जहांगीर रखा गया है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी लोगों को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जहांगीर एक मुगल इन्वेडर था। और बाद में जब ये कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो ये खबर सामने आई कि उस बच्चे का नाम जहांगीर नहीं बल्कि जहां रखा गया है। दरअसल ये बात साल 2004 के समय की है जब करीना और शाहिद कपूर इन दोनों की फिल्म फिदा, चुप चुप के, 36 चाइना टाउन और जब भी मैट जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। इसी दौरान इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि साल 2004 के समय में जब इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई थी तो उस दौरान करीना कपूर और शाहिद कपूर इन दोनों का एक MMS भी लीक हुआ था। दरअसल वो MMS 20 सेकंड का था जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई दे रहे थे और इंटरनेट पे इस MMS के लीक होने की वजह से इन दोनों के रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी और इसी एक MMS की वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा बैकलैश भी मिलने लगा। बाद में ये सफाई भी दी गई थी कि वो MMS फर्जी है, लेकिन उस MMS में शाहिद कपूर और करीना कपूर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उस समय ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि नेशनल मीडिया पे भी इस न्यूज को दिन रात कवर किया गया। और इसके बाद करीना कपूर ने शाहिद कपूर को शादी के लिए भी प्रपोज किया था और तो शाहिद कपूर ने भी करीना कपूर का ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया था और ये बात खुद करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करी थी। लेकिन करीना कपूर और शाहिद कपूर की शादी नहीं हो पाई क्योंकि उनकी माँ बबीता कपूर और उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसीलिए साल 2007 में जब भी मैट नाम की फिल्म के बाद इन दोनों के रास्ते अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। तो ये थी करीना कपूर की लाइफ से जुड़ी वो तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज। इनमें से कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।